तो हम हमारी इमोशंस बेचते हैं, हम एक्टर्स। लॉजिकल फिल्म बना रहे हो तो सब लॉजिकल बता दो, वेलकम बना रहे हो तो उसमें लॉजिक मत बताओ। तो कितने इतना हुबहू कैसे हो सकता है? मैंने कहा क्रेडिट गोज टू विवेक, उसने जैसे हमको समझाया। मैंने आज तक कभी ग्लिसरीन इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि आपके आँख के आंसू देखने कोई नहीं आता। आपकी आंखें बिल्कुल सूखी है और उसके बाद वो गीली कब हो गई वो पता नहीं चलता है। वो होना चाहिए, वो प्रोसेस देखने को लोग आते हैं। नहीं नहीं, मुझे विवेक ने आके मुझे जब ये रोल पूछा तो मैंने विवेक को पूछा कि मैं क्यों, दूसरे कोई किसी को क्यों नहीं पूछा। विवेक ने कहा इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट लाइन है, इंडिया कैन डू इट। जिस कन्विक्शन के साथ तुम बोलोगे और लोग मान लेंगे, वो वैसे दूसरा कोई नहीं बोलेगा। मैंने कहा ऐसी बात नहीं है, फिर भी ये मुझे अच्छा लगा, मैं करूँगा। सो दैट इज द ओनली रीज़न। तो नॉर्मली क्या होता है कि अगर किसी कैरेक्टर को आप निभा रहे तो समझने की कोशिश करते हो, उसको मिलते हो, अगर असल में कर रहे हो तो जिंदा है बंदा तो। लेकिन मैंने कहा मैं नहीं मिलूंगा इनसे जो बलराम भार्गव जी कर रहा हूँ कैरेक्टर में कर रहा हूँ। मैंने कहा बहुत कम समय है, और फिर वो क्या कॉन्शियस लेवल पे ऐसे होता है कि तुम वो कैसे बोलते हैं, कैसे दिखते हैं, चलते हैं, उसकी वो कॉपी करने की कोशिश करते हो, वो डिस्टर्ब करेगा। तो मैंने कहा मैं बाद में मिलूँगा उनको फिल्म कम्प्लीट होने के बाद। तो उस दिन उनके लिए शो रखा था, सभी साइंटिस्ट थे, 70% तो औरतें हैं साइंटिस्ट जो है जो करने वाली, सभी उनकी बदौलत हम बिना मास्क के हम आज बैठे हैं यहाँ। तो वो फिल्म देखने के बाद वो आँख भरी आँखों पानी भरी आँखों से मुझे वो कहते कि आपने कैसे ऐसे किया, हमको तो मिले नहीं थे, आपने कैसे ऐसे बराबर। मैंने कहा वो हमारे डायरेक्टर ने हमको जो बोला वो हमने कर दिया। तो कहते ना इतना हुबहू कैसे हो सकता है? मैंने कहा क्रेडिट गोज टू विवेक, उसने जैसे हमको समझाया। तो हो गया, हो जाता है। मैंने आज तक कभी ग्लिसरीन इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि आपके आंख के आंसू देखने कोई नहीं आता। आपकी आंखें बिल्कुल सूखी है और उसके बाद वो गीली कब हो गई वो पता नहीं चलता है। वो होना चाहिए, वो प्रोसेस देखने को लोग आते हैं, और वो अगर आप सही तरीके से नहीं करते, वो डायरेक्ट आप सिर्फ वो आँख में पानी गिर रहा है तो वो गलत लगता है। अब सीन ही वैसा था कि वो करते वक्त आंसू आ गए, उसने लिखा ही बेहतरीन था, तो हो जाता है। और आसान नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर इर्द गिर्द देखते रहोगे, अगल बगल के सुख दुख है उसको निहारते रहोगे तो तुम्हें पता चलता है, आंखें भर जाती है वैसे छोटी छोटी बातों में। हाँ हाँ, मैंने देखी नहीं अभी तक, मैं मुझे कोई इम्प्रेशन नहीं चाहिए था कि किस किस्म का डायरेक्टर है, कैसे करता है, क्या है इसका तरीका, वो मैं जानना नहीं चाहता। अब मैं जाके देखूंगा। नहीं तो क्या होता है, वो होता है कि नहीं यार ये ऐसे करता है ऐसे करता है, तो फिर हम बायस हो जाते हैं थोड़े से। कभी 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 कभार होता है वैसे, लेकिन वो फॉर्चुनेटली यहाँ तो वैसे हुआ नहीं है। यहाँ ये फिल्म इतनी टेक्निकल है, बहुत ही टेक्निकल, उसमें बातें हैं, डायलॉग भी वैसे है, टर्म्स वैसे है कुछ, तो वो उसमें इम्प्रोवाइज करने का बहुत कम था, कि रिसर्च ओरिएंटेड है फिल्म। तो उन्होंने जो रिसर्च किया, आई कांट चैलेंज इट बिकॉज आई वाज एब्सोल्युटली इग्नोरेंट अबाउट इट। नहीं अच्छा था, लेकिन ये जो कुछ था वो अलग ही था ना, ये मतलब इसको उससे जुड़ नहीं पाता ये।
तो हमने जो उन्होंने बोला वो कर दिया। वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन एक बात है कि मैं वो चिढ़ जाता हूँ अगर वो कहीं गलत बात है, गलत आप लिखा हुआ है या गलत मुझे, मैं एक तो समझा दो या समझ लो, दो में से एक बात है। अगर तुम नहीं समझा पाओगे तो मैं कहता हूँ कि नहीं हमको नहीं करना भाई। अब डायरेक्टर हो तो तुम उतनी तौकात होनी चाहिए तुमको, अगर कुछ लिखा हुआ है वो जस्टिफाई नहीं कर सकते आप तो मत लिखो। तो उस वक्त कोई इंसिस्ट करता है तो चिढ़ जाते हैं, फिर चिढ़ जाते हैं। हाँ मतलब बात समझ, एक समझा दो यार, समझ में नहीं आया तो मतलब ऐसी बात करो ही मत, लिखो ही मत जो समझ में नहीं आए किसी के। अगर हमारे समझ में नहीं आए तो हम अदा कैसे करेंगे, पब्लिक कैसे समझाएंगे? जरिया तो हम है ना, हमारा चेहरा है, हम समझाएंगे, है ना। अब रही बात डिफिकल्ट है, मतलब हमको अगर लॉजिकल फिल्म बना रहे हो तो सब लॉजिकल बता दो, वेलकम बना रहे हो तो उसमें लॉजिक मत बताओ। तो दो बातें, जिस तरह की फिल्म है वो जॉनर कौन सा है उसके ऊपर निर्भर है। नहीं वो निर्भर, वही कहा ना कि डायरेक्टर पे है। अनीस बजमी ने हमसे करवा लिया यार वेलकम। नहीं मैं सच कहता हूँ, एक बार मान लो ना वो है हम तो बहुत आसान हो जाता है। बच्चे के साथ हम जब बात करते हैं तो बच्चे के साथ बात करते वक्त कैसे करते हैं हम थोड़ी ऐसे गंभीर होकर बात, तो बच्चा बनना पड़ता है। एक ही बात हम बड़े जो है बुजुर्ग है उनको, जवान है उनको और बच्चे को एक ही बात कहेंगे, लेकिन तीन अलग तरीके से बताएंगे और आसान होता है। नहीं वो क्या है, एक तो तुम आपके ज़िंदगी में, मेरी ज़िंदगी में, हर एक की ज़िंदगी में ऐसे हादसे बहुत से हुए हैं कि वो उसको याद करके तुम्हारी आंखें इमीडिएट भर जाती हैं, और वो भर जाने के बाद आप मतलब उसको याद नहीं करना चाहते आप, वो इतनी तो हम हमारी इमोशंस बेचते हैं हम एक्टर्स, हमको वो याद करो एक ट्रिगरिंग पॉइंट करके तुमको वो इस्तेमाल करना है उसको, क्योंकि उस वक्त ये हुआ था या ऐसे हुआ था, और मैं सीन कुछ अलग कर रहा हूँ वो ट्रिगर पॉइंट करके। अब यहाँ यहाँ इतनी रोशनी है, बटन तो उधर है ना, तो यहाँ इधर का जो बटन है वो यहाँ कहीं है, अंदर है, वो उसको ज़रा ऑन कर दो, वो आंखें भर जाती है, वो आंखें भर दी, डायलॉग अभी के बोलते हैं, आंखें भर गई उस वक्त की, लेकिन देखने वालों को लगता है वो आज के, वो उनको आपके लिए तो आपको तो मालूम है नहीं। तो मैं कहता हूँ कि अब मेरी या माँ गुजर गई होगी, मेरा बच्चा गुजर गया होगा, पिताजी होंगे, दोस्त होगा कहीं, कोई बहुत नज़दीकी, कोई एक ऐसा हादसा होगा कि मेरा कोई नहीं है फिर भी उसके बावजूद, तो वो याद करके हमारी आंखें भर जाती है, लेकिन वो उतना ही इस्तेमाल करना है। और उसके बाद जैसे ही तुम्हारा सीन ख़त्म होना है तो उससे बाहर निकलो, अगर उसमें ही रहोगे तो आप अपने आप को बर्बाद कर दोगे, फिर वो ओवर एक्टिंग होगी। आपको अंदर जाना है, वापस आना है, वो कितना होना चाहिए वो निर्भर करता है वो किस तरह का रोल आप अदा कर रहे हैं। मैं हम कारगिल वॉर जीते तब मुझे बहुत ऐसा लगा था, मैं था वहाँ, मैं 60 दिन था वो कारगिल वॉर के दरमियान, मैंने मिलिट्री में 3 साल गुजारे हुए हैं, तो मैं कारगिल वॉर में 60 दिन था, उधर ही था। मैंने कब, मैं हमारे पाटनकर साहब थे यहाँ कुपवारा में 28D में, और तो फिर मैं वहाँ था, फिर वहाँ से हाँ वो इन्फेंट्री है अब, तो वहाँ से फिर बारामूला है, द्रास है, कारगिल है, फिर ले है, मुगलपुरा है, तो वहाँ सब जगह घूमते थे उस वक्त। अब हमारा बंदा एक जो था तो वहाँ बदामी बाग में जो है हमारे श्रीनगर में, तो कैजुअलिटीज़ थी तो बॉडीज़ वहाँ आती थी, तो छल्ली होते थे कुछ बॉडीज़, तो ऐसे तो सिलाना पड़ता था उनको, भेजना है तो उनको, तो वो सब कुछ देखा है। अब वो देखने के बाद यार तुमको मतलब
अब हमको मालूम है उनको भेजना है, उनको ये करके अब उधर जाके फिर हम करेंगे, नारे लगाएंगे भारत माता की जय, अमर रहे अमर रहे, दो दिन चिल्लाते हैं हम, फिर हम भूल जाते हैं। अब वो मैं याद करूं तो मेरी तो आंखें भरेगी यार, क्योंकि मैंने देखा है, मैं उस दायरे से गुजरा हूं, और फिर मैं डायलॉग ये हाँ के बोलूं तो आपको लगता है यार कमाल का है क्या? ऐसे नहीं है, आई एम जस्ट सेलिंग माई इमोशंस। वो पुराना है, उसका इस्तेमाल करता हूँ खर्चा करने के लिए, जैसे आप कबर्ड से पैसे निकालते हैं वैसे हम खर्चा करने के लिए दिमाग में से यादें निकालते हैं और उसको आपको बेचते हैं, और क्या है। भाई आप फिल्में देखो ना, हमारी जो मिट्टी की फिल्में हैं वो है कहाँ आज? आजकल तो टेक्निक हीरो है, यहाँ से मैं कूदा, मैं ऐसे मारा तो जमीन फटती है, वहाँ से जीप उड़ती है, और ये इस तरह का जब दिखाते रहोगे और वही सच है ऐसे मानने लगेंगे हमारे बच्चे तो कैसे चलेगा? फिर एक हाथ कोई फिल्म आती है ऐसी तो लगता है कि अरे नहीं यार ये कुछ अलग है, कुछ कमाल है, ये तो हमें मालूम ही नहीं था। मालूम नहीं था क्योंकि हम मालूम करवाना ही नहीं चाहते, हमको लगता ही नहीं कि ये लोग देखना चाहेंगे, लोगों उनको पसंद आएगा। तो हमको मतलब जिस तरह की मतलब एड भी बनते हैं, ये पियोगे तो यहाँ से आप ऐसे छलांग मार के वहाँ जाओगे, ये पहाड़ से उस पहाड़ पे, हालांकि ये बैन होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए, क्योंकि गलत तरीके से लड़के अगर मोटरसाइकिल लेके जवान बच्चे अगर उस तरह से कुछ कोशिश करे तो कैसे चलेगा? लेकिन कुछ भी चलता है हमारे यहाँ, ऐड के नाम पे कुछ भी चलता है, मतलब इतना बेहुदा तरीका होता है यार, अपना सामान बेचने के लिए क्या क्या नहीं करते हम लोग।